Hello everyone, today we are going to start chapter 13 Sphere of the Earth. So, in this chapter, we will study about the atmosphere, the lithosphere, the hydrosphere, and the biosphere. So, let's start the chapter. Did you enjoy your walk? Was it, it fun? Did you notice how much beauty and variety of creation there exist in the world? In this lesson, we will explore the realms. स्फीयर और रीजन विद इन द स्पेस ऑफ द प्लैनट अर्थ तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो प्लैनट अर्थ है है ना तो उसमें कौन कौन से रियल्स होते हैं स्फीयर होता है रीजन होता है इस सब चीज़ों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है द रियल्स ऑफ द अर्थ देखिए रियलम्स को स्फीयर भी बोला जाता है आवर प्लानट अर्थ इज़ मेड अप लैंड एंड वाटर इट इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर मैनी प्लांट, बर्ड्स, एनिमल्स सी क्रिएचर एंड ह्यूमन लीव ऑन द प्लानट तो देखिए हमारा जो प्लैनट अर्थ है वो लैंड और वाटर दोनों से मिल के बना मतलब हमारे अर्थ में आप देखते हैं लैंड एरिया भी है जहाँ हम लोग रहते हैं और बहुत सारा जो पार्ट है वो वाटर भी है है ना आप देखते होंगे इट इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर और देखिए इसके जो चारों तरफ ना एयर होती है वो ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ को सराउंडेड किए रहते हैं मतलब चारों तरफ से एयर जो है वो घेरी हुई है बहुत सारे प्लांट्स बर्ड्स एनिमल और ह्यूमन जो है वो इस प्लैनट पर रहते हैं लाइफ ऑन अर्थ अलोंग विथ लैंड वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ रियल्स ऑफ स्पेयर ऑफ द अर्थ तो देखिए जो एनिमल्स की जो लाइफ होती है अर्थ में है ना लैंड में वाटर में और एयर में तो ये सभी क्या होते हैं हमारे अर्थ के रियलम्स कहलाते हैं पार्ट रियलम्स के पार्ट कहलाते हैं या फिर स्पेयर कहलाते हैं है ना फिर हम लोग देखेंगे रियलम्स ऑफ द अर्थ इसको थ्री टाइप में क्लासिफाइड किया गया है फर्स्ट इज द एटमॉस्फेयर, सेकेंड इज द जियोफेयर जियोस्फेयर और लिथोस्फेयर, एंड थर्ड इज़ द हाइड्रोस्फेयर तो हम लोग वन बाई वन सबके बारे में स्टडी करेंगे देखिए एटमॉस्फेयर पहला है द गैसियस लेयर विच सराउंडेड द अर्थ लाइक ब्लैंकेट देखिए एटमोसफेयर क्या होता है ये एक गैसियस लेयर होता है जो हमारे अर्थ को ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ से सराउंडेड किए रहता है मतलब हमारे अर्थ के जो चारों ओर एयर का कवर होता है कवरिंग होती है उसे ही हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं फिर है लीथोस्फेयर देखिए लीथोस्फेयर क्या होता है जहाँ हम लोग रहते हैं वो पार्ट जो हमारे लिए रहने के लिए होता है जहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स है ना और ह्यूमन लाइफ सर्वाइव होती है उसे लीथोस्फेयर कहते हैं हाइड्रोस्फेयर क्या है हाइड्रोस्फेयर में जैसे ओशंस हो गए सी हो गए है ना रिवर्स हो गए जितनी भी वाटर बॉडी है वो सभी हाइड्रोस्फेयर कहलाती हैं फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है एटमॉस्फेयर प्लस जियोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर इक्वल टू बायोस्फेयर तो देखिए बायोस्फीयर क्या होता है एटमॉस्फेयर ज्युस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को मिलाकर के जो फाइनली हमारा स्फीयर बनता है वो कहलाता है बायोस्फीयर नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर एज यू हैव रीड इन अलियर क्लासेस अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ इट कंसिस्ट ऑफ लेयर कॉल्ड स्फीयर दीज लेयर आर सेपरेटेड बाय डिफरेंसेस इन टेंपरेचर द वन क्लोजर टू अर्थ आर वार्म एज यू गो हायर द ब्लैंकेट ऑफ एयर स्टार्ट टू थिंट आउट एंड इट्स गेट कोल्डर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है है ना उसमें जो एयर होती है वो ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ को सराउंडड करती है मतलब कवर करती है ना जो कई सारी लेयर से मिल के बनी होती है जिसे हम लोग स्पेयर बोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारी स्पेयर्स हैं फाइव टाइप की तो फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर ये देखिए यहाँ इस तरीके से ये ये हो गया हमारा अर्थ सरफ़ेस और ये अर्थ सरफ़ेस में सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है फिर स्ट्रेटोस्फेयर मेजोस्फेयर थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर तो इस तरीके से जो हमारे एटमोसफेयर पे जो स्फेयर हैं वो फाइव पार्ट पे डिवाइडेड हैं तो वन बाई वन हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे तो ट्रोपोस्फेयर दिस इज़ द लेयर closest to the earth it is the layer which is made up of gases like nitrogen oxygen hydrogen which sustain life on the earth most of the weather related phenomena takes place here it is separated from the next layer by the tropopops. देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या होता है ये हमारी जो ये जो लेयर है ना ये जो स्फेयर है ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये देखिए आप यहाँ फिगर पे देख रहे हो ये यहाँ पे अर्थ है और अर्थ के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है क्लोजेस्ट लेयर है वो है हमारा ट्रोपोज तो ये जो लेयर होती है ये गैसेस से मिलके बनी होती है जैसे नाइट्रोजन हो गई ऑक्सीजन हो गई हाइड्रोजन हो गई है ना इस लेयर में क्या होता है जितनी भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है वो यहीं पे ही होती है है ना वेदर से संबंधित जो भी है और इसे हम लोग दूसरी लेयर से सेपरेट करते हैं है ना किसके द्वारा ट्रोपोपोस के द्वारा ये अगली जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोसफियर उससे सेपरेटेड रहती है बीच में ट्रोपोपॉस होता है फिर है स्ट्रेटोसफेयर दिस इज वेयर मोस्ट प्लेन्स फ्लाई सिंस द वेदर फिनोमिना डू नॉट डिस्टर्ब दिस लेयर वेरी फ्यू क्लाउड आर फॉर्म्ड इन द लेयर द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेटोसफेयर इज कूलर बट द हायर पार्ट आर वार्मर बिकॉज दे एब्जॉर्ब हार्मफुल रे ऑफ द सन द स्टेटोसफेयर सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर देखिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो वहाँ पे क्या होता है प्लेन्स वगैरह फ्लाई होती हैं ना ये सेकेंड नंबर का स्फेयर होता है हमारे ट्रोपोस्फेयर के बाद तो यहाँ पे क्या होता है जितनी भी प्लेन्स फ्लाई वगैरह होती है वेदर इन्फॉर्मेशन है सभी चीज़ें यहाँ परफॉर्म होती हैं ना बहुत सारे क्लाउड्स वगैरह जितने होते हैं वो यहीं पे होते हैं और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्यों होता है क्योंकि ये सन के नज़दीक होता है ना उस सन से हम लोग जानते हैं कि हार्मफुल रेज निकलती है तो ये क्या करता है इसको एबज़ॉर्ब करता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये स्फेयर भी जो है वो अगले लेयर से सेपरेट होती है मतलब सभी लेयर के बीच में एक पार्टीशन टाइप का होता है सेपरेट रहती है जिससे ये एक दूसरे से सेपरेट रहें थर्ड है मीजोस्फेयर दिस इज द मिडिल लेयर द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर इज मीजोपॉस इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस नोन एंड सेपरेट दिस लेयर फ्रॉम द नेक्स्ट देखिए जो मीजोस्फेयर होता है ये मिडिल लेयर है ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो दो लेयर ऊपर है दो लेयर नीचे है तो बीच वाला जो पार्ट है वो मीजोस्फेयर कहलाता है तो ये क्या होता है जिसकी अपर बाउंड्री होती है वो मीजोपॉस कहलाती है और ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है है ना ये भी अपनी अगली लेयर से सेपरेट रहती है फिर नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर इट्स बिगिन अबाउट नाइन्टी किलोमीटर अब द अर्थ इसकी जो हाइट होती है हमारे अर्थ सरफेस से वो नाइन्टी किलोमीटर ऊपर होती है दिस लेयर इज़ वेरी हॉट एज देयर इज अ लॉट ऑफ सर सोलर एक्टिविटी हेयर तो जितनी भी सोलर रिलेटेड एक्टिविटी है सभी यहीं परफॉर्म होती हैं और इस वजह से ये जो लेयर है बहुत ज़्यादा गर्म होती है रेडियो वेव्स आर एक्टिव्स इन दिस लेयर स्पेस सेटेलाइट ऑर्बिट इन दिस लेयर इट इज सेपरेटेड बाय हर बाय द थर्मो तो ये थर्मोपॉस के द्वारा दूसरी लेयर से सेपरेट रहती है तो यहाँ पर क्या होती है जितनी भी रेडियो वेब्स वगैरह होती हैं वो सब यहीं पर होती हैं फिर है लास्ट है इसमें एगजूसफेयर इट इज़ द फिफ्थ एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉसफेयर इट प्रिवेंट हार्मफुल रे ऑफ द सन फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर तो देखिए जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है ना आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे एटमोसफेयर की अब इसका काम क्या होता है क्योंकि अब इस सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है क्योंकि हमारे अर्थ सर्फिस से सबसे लास्ट की लेयर है तो जैसे ही ये सन की जो रेज वगैरह होती हैं वो सबसे पहले इसी लेयर पर आती हैं है ना तो ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रे को इंटर करने से रोकती हैं मतलब जो हार्मफुल रे वगैरह होती हैं वो मोस्टली यहीं पे एबज़ॉर्ब हो जाती हैं जो थोड़ा बहुत रह जाती हैं तो वो आ के ये स्ट्रेटोस्फेयर पे एबजॉर्ब हो जाती है तो इस तरीके से हमारा जो एटमोसफेयर है वो फाइव स्पेयर्स पर डिवाइड है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिर हम लोग देखेंगे जियो इसी को लीथोस्फेयर भी बोलते हैं This layer is dry land which we live on. It consists of different landforms like plain, mountain, Iceland, hills, or valley. Human, animal, and plant life are found on the land. Do you know that, like the atmosphere, the geosphere also has layers? इट इज़ सिमिलर टू अ बॉइल्ड एग देखिए ये जो लेयर हो, होती है ये जियोस्फेयर या लीथोस्फेयर जहाँ हम लोग रहते हैं उसी को ही बोला जाता है और ये क्या होता है डि, डि, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स जैसे प्लेन माउंटेन आइसलैंड है ना वैली हिल्स इन सब से मिलके बनी होती है मतलब ये सब इस, इस स्फेयर पे होता है जैसे हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं तो हम लोग अर्थ पे देखते हैं ना बहुत सारे हिल्स हैं माउंटेन है, है प्लेन्स है और यहाँ पे एनिमल ह्यूमन प्लांट सब कुछ होता है पूरी की पूरी लाइफ ही यहाँ पे पॉसिबल होती है तो अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है जियोस्फेयर भी इसकी भी कई लेयर्स होती हैं ठीक है जियोस्फेयर की कई लेयर होती हैं और ये सिमिलर होता है बॉयल्ड एग की तरह मतलब जैसे बॉयल्ड uh, एग होता है उसकी तरह ये इसकी लेयर्स होती हैं ये यहाँ पे आप पिक्चर पे देखिए ये हो गया जैसे बॉयल्ड एग है इसके तीन पार्ट होते हैं सबसे आउटर मोस्ट की जो सेल है वो सेल कहलाती है जो मिडिल वाली है वो वाइट और थर्ड वाली यॉक कहलाती है ना इसी तरीके से हमारा ये अर्थ सरफेस है तो सबसे जो आउटर मोस्ट की लेयर होती है उसको बोला जाता है क्रस्ट फिर जो उसके अंदर वाली लेयर होती है मेंटल और लास्ट वाली होती है कोर तो इसकी जो लेयर्स है ना वो एग की तरह सिमिलर है इसलिए इसको एग के साथ कंपेयर किया गया है अब वन बाई वन हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो फर्स्ट है क्रस्ट दिस इज द थिन बट सॉलिड लेयर वी कॉल लैंड देखिए ये क्या होता है बहुत पतली लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लेयर होती है जिसको हम लोग लैंड बोलते हैं तो वो क्रस्ट कहलाता है फिर है मेंटल. बिलो द लैंड सॉइल एंड रॉक इन द फ्लोटिंग मेंटल द फर्स्ट एटी किलोमीटर ऑफ द मेंटल आर मेड ऑफ वेरी हार्ड रॉक द नेक्स्ट टू फोर्टी वन किलोमीटर सुपर हीटेड सॉलिड रॉक देखिए ये क्या होता है इसका जो ये जो मेन बनी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड रॉकस बनी होती है ना इसका जो अपर पार्ट होता है मतलब टू फोर्टी वन किलोमीटर का तो वो बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड सॉलिड रॉक से मिलकर बना होता है ड्यू टू दीट एनर्जी आर वेरी वीक यहाँ पे क्या होती heat energy का है हीट एनर्जी कहना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है मैंटल स्ट्रेच मोर दैन टू थाउजेंड किलोमीटर अंडर द क्रश्ड अर्थ क्वैक और वेल्कनो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट इन द मैंटल देखिए जो हमारे अर्थ सर्फेस पे अर्थ क्वैक वेलकनो जैसे घटनाएँ होती हैं वो इसी के कारण होती हैं फिर लास्ट में कोर दिस लेयर इज बोथ लिक्विड एंड सॉलिड दे कं से स्टॉप मोल्टन आयरन एंड निकिल दीज आर मेटल्स इट इज़ टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर वाइड इसकी जो चौड़ाई है वो टू थाउजेंड फि फाइव हंड्रेड किलोमीटर है और ये जो लेयर है ये दोनों है मतलब इसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है अब ये किससे मिल के बनी होती हैं आयरन और निकल जैसे मेटल्स से बन के बनी मिल के बनी होती हैं द मेटलिक कोर कॉज द अर्थ टू बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट इसका जो आ, अंदर वाला जो कोर होता है मेटलिक कोर होता है आ, वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है मतलब इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जाइंट मैग्नेट है जैसे मैग्नेट में होता है ना कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींचता है तो इसी तरीके से इसमें भी होता है द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ एंड द कोर्स मेटल क्रिएट ग्रेविटी द फोर्स दैट अट्रैक्ट एवरी थिंग टू द सेंटर ऑफ़ द अर्थ तो ना कोई भी चीज़ को इसके अंदर अट्रैक्ट करने का फोर्स होता है है ना क्योंकि इसके अंदर ये क्या है मैग्नेट की तरह काम करता है तो इसके अंदर ग्रेविटी फोर्स होता है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती रहती है सेंटर ऑफ द अर्थ अर्थ के सेंटर पर अट्रैक्ट करती रहती है तो इस तरीके से हम लोगों ने लिथोस्फेयर के बारे में जाना और उसकी जो थ्री लेयर्स है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर क्या होता है Other than land, we are surrounded by water. The hydrosphere is the water world which surrounds us. Water on the earth is found in seas, oceans, रिवर पॉन्ट्स एंड स्ट्रीम इवन मैन मेड वाटर बॉडी लाइफ कैनाल एंड डैम्स होल्ड वाटर देयर इज अ लाइफ इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी क्रिएचर प्लांट एंड रॉक फाउंड अंडर वाटर देखो हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या होता है जहाँ पर बहुत जगह ज़्यादा पानी रहता है हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी से सराउंडेड है मतलब हम लोग जिस एरिया पर रहते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है पानी होता है ना हम लोग हमारे अर्थ के थर्ड पार्ट में वाटर होता है और ओनली वन पार्ट पे हम लोग रहते हैं तो हाइड्रोस्फेयर क्या है जहाँ पे आ, बहुत ज़्यादा वाटर पाया जाता है ना और वाटर हमारे अर्थ में कहाँ किस किस रूप में पाया जाता है सी के रूप में ओसियन रिवर पॉन्ड और स्ट्रीम के रूप में इसके अलावा कुछ मैन मेड वाटर बॉडी भी होती है मतलब जो हम लोग बनाते हैं ह्यूमन बनाते हैं जैसे कैनॉल हो गई है ना डैम्स हो गए जिसपे वाटर स्टोर रहता है तो इस तरीके से ये हाइड्रोस्फेयर कहलाता है फिर है बायोस्फेयर लाइफ ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ मैनी क्रिएटर फ्रॉम दिनिस्ट बैक्टीरिया टू एन एलिफेंट फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल सी टू प्लांट्स ऑल दिस लाइफ इन द बायोस्फेयर लिवस ऑन दियोस्फेयर ऑर इन दाइड्रोस्फेयर ऑल द लाइफ डिपेंड ऑन गैसेस इन द एटमोस्फेयर देखिए बायोस्फेयर क्या होता है एटमोसफेयर जियोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मतलब बायोस्फेयर में सब चीज़ आ जाता है ना जियो जियोस्फेयर जहाँ हम लोग रहते हैं हाइड्रोस्फेयर मतलब बहुत ज़्यादा पानी वगैरह हो गया एटमोसफेयर मतलब जितनी लेयर है तो सब कुछ मिला के मतलब यहाँ छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के एक बिग एनिमल यानी एलिफेंट तक का लाइफ पॉसिबल है इस बायोस्फेयर में है ना फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल सी टू प्लांट्स मतलब सब कुछ हर चीज़ें पॉसिबल uh, है बायोस्फेयर में मतलब जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिज़म प्लांट्स है ना जितनी भी लेयर्स जो भी होता है वो सब कुछ बायोस्फेयर पे ही होता है तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना है ना उसके टाइप्स जाना और एटमॉस्फेयर की लेयर्स है ना फिर लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर पे पढ़ा है ओके थैंक यू